एक भी ढंग की शर्ट नहीं है तुम्हारे पास शहरोज अली, सारे अजीब से रंग हैं, क्या करूं। सिक्सटीन पर एसी चलाया हुआ, बिल इसका बाप भरेगा। अरे इतना उधार दोगे तो मेरा ये 30 साल पुराना रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। आज से सारी लड़की लड़कों को यूनिवर्सिटी से जो आते हैं उनसे कहो ना उधार बंद, बिल्कुल बंद। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले क्या चाहिए? पुराना वक्त चाहिए, मिलेगा? यहाँ कॉफी मिलेगी, चाय मिलेगी, चना चाट मिलेगा, रोल पराठा मिलेगा, आप बोले आपको क्या चाहिए? उधार। उधार? अब टीचर लोग भी उधार मांगना शुरू हो गए? पहले तो सिर्फ स्टूडेंट उधार मांगते थे। नहीं भाई, उधार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद। तो क्या ये वापस नहीं करते उधार लड़के लड़कियां? कौन वापस करता है? अगर मैंने अपनी डायरी खोलकर तुम्हें दिखा दी ना तो तुम खुद ही मुझे पूछोगे कि इतना सारा उधार देने की जरूरत क्या थी। डायरी में सब कुछ लिखा है चाचा, किसी के 25 रुपए लिखे जो रोज आता था और फिर एक दिन अचानक से चला गया, कभी वापस नहीं आया। हाँ, लगते हो पहचानने में कुछ आ रहा है। क्या चाचा, डायरी में हिसाब लिखकर चेहरा भी भूल गए शहरोज अली का। आपका एक ग्लास भी तोड़ा था, उसके पैसे भी नहीं दिए थे मैंने। आज सोचा कि जाकर आपका उधार भी उतार दूं और जो आपका ग्लास तोड़ा था उसके पैसे भी दे दूं और आपसे माफी भी मांग लूं। अबे शेरोस, तू बदमाश कहेगा? क्या चाचा, बिल्कुल बूढ़े हो गए हो आप, सफेद एकदम। तो तू ये लोंडे वाले कपड़े पहन के तू क्या समझता है, तू अभी तक लोंडा ही लग रहा है? क्या बिलावजह की बातें कर रहे हैं आप, अभी भी जवान हूँ मैं, पर्सनालिटी देखिए मेरी। ओहो, बड़ी पर्सनालिटी है, हा? ये बता, जिसके ऊपर गुस्सा आकर तूने ग्लास तोड़ा था उससे माफी मांगी तुमने? नहीं चाचा, सब कुछ वहीं रह गया, वहां जहां पहले लकड़ी की टेबल हुआ करती थी। मैं, फिजा, आपका उधार, सब कुछ आज समेटने आया हूं। अस्सलाम वालेकुम सफदर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। अबे ये क्या बुरा बुरा लगा है तुम लोगों ने, आजकल के छोकरे छोकरियां मुझे बुढ़ा बुढ़ा कहने के लिए आए हो?
तंग करने आए हो मुझे? कैसे हो? ठीक। अब तुम दोनों क्या यहीं खरे खरे बातें करोगे? जाओ आराम से बैठ के बातें करो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पैसे हैं तो ऑर्डर करना, उधार नहीं दूंगा। ठीक है जी। चलो